तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो आप लोगों का क्लास नाइन्थ वालों का यानी कि फिफ्थ चैप्टर है। तो शुरू करें। तो इसके अंदर आज हमें क्या पढ़नी है, ऑर्गेनाइज। अब ये ऑर्गेनाइज क्या होती है, तो जैसे हमारा घर होता है और हमारे घर के अंदर अलग अलग रूम होते हैं, अलग अलग रूम्स के अंदर हम लोग रहते हैं और हर घर के अंदर हर एक इंसान का क्या होता है, अलग अलग काम होता है ना। आपको कुछ और काम मिला होगा, मम्मी कुछ और काम करेगी, पापा कुछ और काम करेंगे। तो ऐसे ही हमारा सेल भी ना बहुत ज्यादा स्मार्ट है। जैसे स्मार्टफोन्स आते हैं ना, क्या स्मार्टफोन्स तो पुराने हो गए, स्मार्ट वॉचेस भी पुरानी हो गई हैं, पर स्मार्ट वॉचेस आ रही है, जैसे वो स्मार्ट है, हमारा सेल उनसे ज्यादा स्मार्ट है। तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी किसकी बनी हुई है, सेल्स की बनी हुई है ना। तो उन सेल्स के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, रूम्स की तरह ही आप मान सकते हो, रूम्स हैं। उसके अंदर अलग अलग इंसान रहेंगे, यानी हम लोग के जैसे ही, मतलब पर वो लिविंग नहीं होते। जैसे हम अपने घर के अंदर सारा का सारा काम बांट कर करते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर कर करते हैं, ठीक वैसे ही जो हमारा सेल होता है उसके अंदर भी बहुत सारी ऑर्गेनाइज होती हैं। ऑर्गेनाइज क्या करेंगी, अपना अलग अलग काम को परफॉर्म करेंगी, ताकि जो सेल है उसको ज्यादा वर्कलोड ना आए, सारी ऑर्गेनाइज अपना अपना काम करे और सेल अपना काम अच्छे से कर पाए। फिर यानी सेल का अकेले का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइज होती है, वो क्या करती हैं, अपना अपना काम करती हैं और सेल का हाथ बटाती हैं, ठीक है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क तो हमारे सेल के अंदर भी है, जैसे हम अपने घर के अंदर काम को बांट कर करते हैं। तो उसके अंदर जो सबसे पहली ऑर्गेनाइज आप बात करोगे, या एक तरीके से मेम्ब्रेन की बात हम करेंगे, तो वो है हमारी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। जैसे अपने घर के चारों तरफ प्लास्टिक पेंट कराते हैं ना, भाई हमारा पेंट खराब ना हो जाए, ठीक ऐसे ही सेल के चारों तरफ भी क्या होती हैं, कुछ मेम्ब्रेन होती हैं। मेम्ब्रेन इन द सेंस कि आपका एक घर है, ठीक है, उसके चारों तरफ आपने क्या करा दिया, किसी चीज का कोट करा दिया, तो उसके अंदर कोई भी चीज नहीं आ पाएगी ना आसानी से। ठीक ऐसे ही जो सेल वॉल होता है, ये क्या होता है, किसी भी सेल के बाहर वाली जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है, सेल वॉल। क्या कहलाएगी, सेल वॉल, सेल के बाहर वाली लेयर। और ये सेल वॉल क्या करेगी, अंदर का जो सेल है उसको बचाएगी, बाहर जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, यानी बाहर गर्मी पड़ी, सर्दी पड़ी, उन सबसे कौन प्रोवाइड बचाएगा सेल को, सेल वॉल। अब जैसे हम होते हैं, हम तो ह्यूमंस हैं, यानी एनिमल्स हैं, सो प्लांट और एनिमल्स में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि प्लांट सेल के अंदर तो आउटर होती है एक सेल वॉल, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। यानी प्लांट सेल के अंदर तो क्या होती है, सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती उनके अंदर। देखो, प्लांट सेल में बाहर होगी सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होगी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि एनिमल्स के अंदर बाहर सेल वॉल नहीं होती है, उसके बाद बाहर सेल वॉल नहीं होगी, क्या होगी, डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। अब प्लांट्स में सेल वॉल की जरूरत क्यों पड़ी, देखो हमारे अंदर हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, तो हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर तो कोई हड्डियां नहीं है, सिर्फ वो स्टेम्स वगैरह ही है। तो यानी जो सेल है वो क्या करता है, प्लांट को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। यानी सेल के बाहर जो सेल वॉल प्रेजेंट है वो सेल को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करेगी और उसको क्या करेगी, एक स्ट्रक्चर देगी सेल को, कौन, जो सेल वॉल होएगी, ठीक है। आगे बात करें, सेल वॉल ने क्या प्रोवाइड कर दिया, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया, उसको बाहर की कंडीशन से बचाएगी। अब हम लोग तो घर के अंदर रहते हैं, कपड़े भी पहन कर रखते हैं, जबकि इनके पास तो कुछ नहीं होता ना ऐसा, तो एक तरीके से प्रोटेक्शन का भी काम करती है, कौन, सेल वॉल, ठीक है। क्योंकि कई तो ऐसे छोटे छोटे भी प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ सिंगल सेल्ड ही होते हैं, यानी जो एल्गी वगैरह आप पढ़ोगे, एल्गी अभी तो नहीं आई, एल्गी आपने सुनी है, काई बोलते हैं, वो भी एक प्लांट सेल ही है, वो तो बेचारी सिर्फ सिंगल सेल होती है, तो उसके अंदर सेल वॉल ही बचाएगी ना उसे बाहर के एटमोसफेयर से। तो जो आपकी सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, प्लांट्स के अंदर सेलुलोज की। तो सेल वॉल प्लांट्स के अंदर किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की। ठीक ऐसे ही फंजाई होता है, फंजाई के अंदर सेल वॉल किसकी बनी होती है, चिटिन की।
रोबोट मूवी आई थी ना जिसमें चिट्टी था रजनीकांत, ऐसे ही चिट्टी से याद रख लो चिटिन। तो फंजाई के अंदर किसकी बनी होती है सेल वॉल? चिटिन, CHITIN। ठीक है, तो जो प्लांट्स होती है, फंजाई होती है, उसके अंदर सेल वॉल बनी हुई होती है चिटिन की, जबकि जो सेल वॉल होती है, अच्छा देखो, प्लांट्स के अंदर सेलुलोज की और फंजाई के अंदर चिटिन की, फंजाई चिटिन, प्लांट सेलुलोज, याद हो गया। आगे चलते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट की बात मैंने कर ली है। दूसरा, सेल वॉल क्या होती है? परमिएबल होती है। परमिएबल वर्ड से याद रखो, परमिट, परमिट दे रही है भाई आने का, परमिएबल मतलब परमिट, तो यानी जो ये सेल वॉल होती है ये क्या देती है? परमिट देती है कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, वाटर अंदर आ सकता है, मिनरल्स अंदर आ सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स अंदर आ सकते हैं, क्योंकि अगर पूरी के पूरा प्लांट सेल वॉल सेल का ही बना हुआ है तो यानी सब सेल के बाहर क्या होगी? सेल वॉल, तो सेल वॉल ही एंट्री देगी ना, यानी दरवाजा है एक तरीके का, ये अलो करेगी कौन चीज अंदर आए कौन नहीं आए। तो जो रूट्स होती हैं, रूट्स किसकी बनी हुई होती हैं? अगेन सेल्स की। तो जो सेल्स होंगे रूट के अंदर वो क्या होंगे? बाहर सेल वॉल होगी, सेल वॉल परमिएबल है, यानी वाटर, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को अंदर आने देगी कौन? सेल वॉल। तो सेल वॉल कैसी होती है? परमिएबल होती है, ठीक है, यानी परमिट दे देगी। जबकि सेल मेम्ब्रेन की बात करें, या जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, वो क्या होती है? वो सेमी परमिएबल होती है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होगी? सेमी परमिएबल। भाई परमिट तो दे रही है अंदर आने का, पर सबको नहीं दे रही है, कुछ सिलेक्टेड को ही देगी, यानी सारी चीजों को अंदर नहीं आने देगी, ठीक है, जबकि सेल वो सारी चीजों को अंदर आने देती है, ठीक है। तो सेल वॉल तो कैसी होगी? परमिएबल, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कैसी होगी? सेमी परमिएबल, सेमी मतलब हाफ हाफ है, तो सेमी परमिएबल होएगी और साथ में ही सिलेक्टिव भी होगी, भाई सिलेक्ट कर करके अंदर चीजों को आने देगी, ठीक है। आगे चले, सेल वॉल पर ही आ जाते हैं, तो दो फिनोमिनन होते हैं, एक होता है प्लाज्मोलाइसिस और एक होता है ट्रांसपीरेशन। सो ट्रांसपीरेशन इस चैप्टर का है नहीं, पर आपको आगे लिंक करने में आसानी करेगा। जैसे प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, आपके घर में प्लांट्स थे, पौधे थे, आपने उनको पानी नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, उनकी जो लीव्स होती है मुरझा जाती है ना एक तरीके से, बिल्कुल पत्ते से नीचे से गिर जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलाइसिस, लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। सो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? व्हेन लिविंग प्लांट सेल, पहली बात तो प्लाज्मोलाइसिस किसमें होगी? लिविंग प्लांट सेल के अंदर। व्हेन लिविंग प्लांट सेल loses water, water को lose कर दे, किसके through? Through osmosis, यानी osmosis के through, जब living plant cell water को lose कर दे, तो क्या हो जाएगा? There is a shrinkage and contraction, यानी जो leaf होगी वो सिकुड़ जाएगी या फिर contract हो जाएगी। बस वैसा याद रखना, जब आपने पौधे को पानी नहीं दिया तो उसके जो पत्ते होते हैं बिल्कुल ऐसे लूज लूज से पड़ जाते हैं, मुरझा जाते हैं, तो उस condition को क्या बोला जाता है? Plasmolysis। होती क्यों है? क्योंकि जो water है वो क्या हो गया? वहां से निकल गया प्लांट की लीव्स में से, तो प्लांट मुरझा गए, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। और प्लाज्मोलाइसिस किसकी वजह से होती है? ऑस्मोसिस की वजह से। ये चीज याद रखना, प्लाज्मोलाइसिस किसकी वजह से होगी? ऑस्मोसिस की वजह से, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर ट्रांसपीरेशन क्या है? देखो प्लाज्मोलाइसिस में भी वाटर बाहर निकलेगा, ट्रांसपीरेशन में भी वाटर बाहर निकलता है, पर फर्क क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस में जो काम का पानी था वो भी बाहर निकल गया, पर ट्रांसपीरेशन के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना प्लांट के अंदर, वो बाहर निकलता है। जैसे सुबह सुबह अगर आप घूमने जाओ तो देखते हो पत्तों के सरफेस के ऊपर ना पानी सा आ जाता है, पानी की बूंदे मिलती है हमें, तो वो क्या होता है? ट्रांसपीरेशन। प्लांट ने एक्स्ट्रा पानी ले लिया था, अब वो एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकाल देगा ट्रांसपीरेशन से, लेकिन ट्रांसपीरेशन के अंदर ना तो पत्ता मुरझाएगा, ना तो लीव्स आपकी मुरझाएंगी और ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है। आगे चले, उसके बाद में है, मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, अरे ये तो रफ हो गया। चलो पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लेते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहली बात किसकी बनी हुई होती है? सेल वॉल सेलुलोज की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है? लिपिड एंड प्रोटीन्स की। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? लिपिड एंड प्रोटीन। और मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है कैसी होती होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मॉडल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफाइन करने के लिए, भाई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती कैसी है, और उस मॉडल का नाम क्या था?
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, क्या नाम था उसका, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। वैसे ही मैंने यहाँ पे नाम लिखे नहीं हुए हैं, पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दो साइंटिस्ट ने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन। एक सिंगर था, चौक से भी देख भी लेते हैं, क्या नाम था उन दो साइंटिस्ट का, सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, आगे चले, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया, एक तो गाना गाने वाले यानी सिंगर, दूसरे निकोलसन। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो भाई, अगर हम सिंगिंग अच्छी नहीं करेंगे तो हमें कोई निकाल देगा ना टीम से, तो सिंगर एंड निकोलसन, निकालना और सिंगर। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है हमारे पास में कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल होती है, ये बात हमने कर ली। क्या कंट्रोल करती है कि क्या चीज आपके सेल के अंदर आएगी, क्या चीज बाहर आएगी, यानी एंट्री और एग्जिट को। अगर एंट्री और एग्जिट पूछा जाए एनिमल सेल के अंदर, आंसर क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा एनिमल सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन आंसर होएगा। एंट्री और एग्जिट को कौन कंट्रोल करता है। आगे चलिए, अब देखो कुछ सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं, जैसे एक है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, नाम से समझो हाइपो, हाइपोटोनिक मतलब कमी है, हाइपो मतलब फूल जाना, फूल ओ बोल होता है ना, यानी फूलना, गुस्से मतलब हाइपो मतलब फूल जाना। तो यानी आपने किशमिश रखी और किशमिश पानी में रखी और वो फूल गई, यानी स्वेल हो गई वो, फूलना मतलब स्वेल हो जाना। तो स्वेल कब हुई होगी, जब बाहर से पानी किशमिश के अंदर गया होगा, यानी किशमिश यानी रेजिन जिसको बोलते हैं। सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जब आप किसी चीज को रखोगे, किसी सब्सटेंस को रखोगे, तो वो स्वेल हो जाता है, क्योंकि वाटर उसके अंदर मूव करता है, वाटर अंदर मूव करता है। ठीक है, अब देखो मैंने नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है एंडोसाइटोसिस। एंडो, एंडो का मतलब अंदर आना, तो जब कोई भी चीज अंदर आती है, इनसाइड आती है, इन आती है, तो उसको क्या बोला जाता है, एंडोसाइटोसिस। और वो सॉल्यूशन कौन सा कहलाएगा जिसके अंदर वाटर अंदर आता है, तो उस सॉल्यूशन को बोला जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का नाम हाइपोटोनिक, प्रोसेस का नाम एंडोसाइटोसिस। सॉल्यूशन का नाम हाइपोटोनिक, जब वाटर अंदर आएगा कोई चीज स्वेल अप हो जाएगी, और प्रोसेस का नाम एंडोसाइटोसिस। आगे चले, हाइपरटोनिक, हाइपर होगी कोई चीज, हाइपर होके कोई भी चीज गुस्से में सब कुछ छोड़ देते हैं ना, तो ठीक ऐसे ही क्या करा, किशमिश ली और आपने आपके सॉल्ट वाटर के अंदर रख दिया, तो क्या होगा, जो किशमिश नहीं आपके अंगूर रखेंगे, क्या रखेंगे, हमने ग्रेप्स लिया, तो ग्रेप्स को हम क्या रखेंगे, जैसे ही हम किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे, तो उस ग्रेप्स का सारा पानी कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी वो चीज क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। वाटर आउटसाइड, एरो बाहर की साइड लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। सो हाइपरटोनिक में कोई भी चीज श्रिंक होगी, और उस प्रोसेस नाम क्या हो जाएगा, एक्सोसाइटोसिस। क्या हो जाएगा, एक्सोसाइटोसिस, एग्जिट हो जाना, बाहर निकल जाना। तो जो आपका अमीबा होता है, अमीबा के अंदर क्या होता है, जो वो फूड को लेता है और एक्स्ट्रा फूड को बाहर निकाल देता है, यानी फूड लेगा जो उसके काम का था उसने ले लिया, एक्स्ट्रा को बाहर निकाल देगा, कौन से प्रोसेसेस से, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर आना, एक्सो एग्जिट मतलब, एक्सो का मतलब एग्जिट, बाहर चले जाना। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आइसोटोनिक। सो आइसोटोनिक क्या होता है, आइसो अच्छे वाला है, कोई चेंज नहीं होगा, जैसी थी वो चीज वैसी रहेगी, ना तो श्रिंक ना फिर स्वेल होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, मैंने दो टर्म्स लिखी हुई हैं, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। देखो डिफ्यूजन और मतलब देखो डिफ्यूजन है ना, डिफ्यूजन का ही एक और नाम आप ऑस्मोसिस कह सकते हो। कैसे, अगर किसी गैस का डिफ्यूजन हुआ, गैस यानी एयर हो गया, गैस हो गया, गैस के अंदर डिफ्यूज, देखो जब गैस के पार्टिकल्स कहीं पर एक जगह से दूसरी जगह पर चलते हैं, जहां जैसे परफ्यूम था, परफ्यूम की छोटी सी बॉटल के अंदर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स थे, वो जैसे ही आप उनको स्प्रे करोगे तो पूरे के पूरे रूम के अंदर फैल जाएंगे। तो वो क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल जब कहीं पर फैलते हैं एक तरीके से, तो वो प्रोसेस कहलाती है डिफ्यूजन। लेकिन अगर मैंने गैस ना लेकर किसी लिक्विड का मूवमेंट हुआ, तो वो चीज क्या कहलाएगी, ऑस्मोसिस। गैस हुआ तो डिफ्यूजन, लिक्विड हुआ तो ऑस्मोसिस। ठीक है, गैस हुआ तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस हुआ तो लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी गैसेस के लिए वर्ड यूज होता है डिफ्यूजन का। ठीक है, यानी अगर पूछा जाए कि ऑक्सीजन और CO2 प्लांट्स के अंदर या ह्यूमंस के अंदर भी कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा।
ठीक है, जबकि जो न्यूट्रिएंट है, मिनरल्स है, ये सब वाटर के अंदर डिसॉल्व फॉर्म के अंदर जाएंगे ना, यानी पानी के अंदर घुलकर ही तो जाएंगे प्लांट के अंदर, तो वो किसके थ्रू होएगा, ऑस्मोसिस, यानी जो रूट्स होती हैं प्लांट की, रूट्स किस प्रोसेस से वाटर को लेती हैं, ऑस्मोसिस की, ऑस्मोसिस की प्रोसेस से, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये मैंने कुछ सेल का डायग्राम बना रखा है, तो सेल की जो सबसे आउटर वाली लेयर होगी वो सेल वॉल कहलाएगी, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी, बीच में होता है न्यूक्लियस, मास्टरमाइंड, यानी सेल की सारी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर भी एक बहुत सारा फ्लूइड भरा हुआ होता है, लिक्विड सा भरा हुआ होता है, और न्यूक्लियस के अंदर के फ्लूइड को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर के फ्लूइड को, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मटेरियल है उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, जबकि जो सेल के अंदर लिक्विड मटेरियल है उसको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर वाले को साइटोप्लाज्म बोलेंगे, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है सारा का सारा लिक्विड मटेरियल उसको क्या बोलेंगे, सेल साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर वाले को न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये रफ हो गया, यहां से एक वर्ड आता है प्रोटोप्लाज्म, क्या है, प्रोटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म प्लस में न्यूक्लियोप्लाज्म क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस में न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट था वो, और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट था वो मिलाकर क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म। यही साइटोप्लाज्म तो क्या होगा, जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में भरा हुआ लिक्विड है वो तो क्या है, साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ वो न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म प्लस में न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाकर क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म, क्या बोलेंगे हम, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। तो यहां तक का हमारा सारा का सारा चैप्टर का हो चुका है, अब इसके आगे की जो ऑर्गेनाइज जो यहां से शुरू होंगी वो हम करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है।